हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर से चुराई स्कॉर्पियो ने बाड़मेर में तोड़ी नाकाबंदी, पुलिस पर फायरिंग कर बदमाश भागे, पुलिस की अलग अलग टीमें पीछा करते हुए कामयाबी हासिल की। बाड़मेर जैसलमेर से स्कॉर्पियो चुराकर भाग रहे बदमाशों ने बाड़मेर में नाकाबंदी तोड़ी, पुलिस पर फायरिंग कर बदमाश भाग गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए जैसलमेर पुलिस के साथ बाड़मेर जिले के शिव व ग्रामीण थानों की पुलिस भी तलाश करते पीछा जारी रखा। जैसलमेर पुलिस का पीछा करने के दौरान बदमाशों के स्कॉर्पियो का टायर फट गया। जानकारी के मुताबिक जैसलमेर जिले से बदमाश रात को स्कॉर्पियो चुराकर भाग रहे थे। इस दौरान बदमाशों के स्कॉर्पियो के टायर फट गए। बदमाश बाइक लेकर भागने लगे, फिर बदमाश एक दूसरे स्कॉर्पियो को लेकर भागने लगे। जैसलमेर पुलिस की सूचना पर बाड़मेर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी की, बदमाश नाकाबंदी तोड़कर भाग गए। जैसलमेर और बाड़मेर के शिव थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा किया, बदमाश जिले के नांद इलाके में आ गए। इस दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के अलग अलग टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए हरसाणी फाटा, उत्तर लाई व भुरटिया सहित गांवों में पीछे लगी रही। पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक नरपत सिंह के मुताबिक कुछ बदमाश जैसलमेर से गाड़ी चोरी कर भाग रहे थे। जैसलमेर पुलिस की सूचना पर बदमाशों की तलाश करते हुए बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने मीडिया प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस व ग्रामीण जन मिलकर पीछा करते गिरफ्तार किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह इन्होंने ये कहा। जैसलमेर पुलिस से मिली थी और पिछली रात्रि को जैसलमेर कोतवाली थाना सत्र से एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी की चोरी होती उनके गाड़ी मालिक को इसको इतला मिली थी, तो वहाँ पे उनके गाड़ी वालों के परिजन और कोतवाली पुलिस इन चोरों का पीछा कर रही थी। तो वो रेगुलर पीछा करते करते ये इनका लोकेशन हमारे शिव थाना एरिया में आए, तो वहाँ पे शिव थाना के पुलिस और ग्रामीण पुलिस भी इनका पीछा कर रही थी। गाँव वालों का भी सहयोग मिला था, तो इन चुराई हुई गाड़ी को ये पुलिस की नाकाबंदी देख के उसको छोड़ के भाग गए और इसका पुलिस दल ने पीछा किया। बार बार जगह जगह पीछा किया इन पुलिस दल को देख के और गाँव वालों को, इन्होंने रास्ते में एक दो जगह इन्होंने फायर भी किया। तो कुल मिला के जैसलमेर पुलिस और बाड़मेर पुलिस और गाँव वालों ने, इसमें ग्रामवासियों का हमें बहुत सहयोग मिला। अल्टीमेटली हमने इनको सदर थाना क्षेत्र के मजेद के टीलों में इनको पकड़ा। सर, ये लोग कौन है, कहाँ से ये लोग आए और इनका अतीत जो है वो क्या पता चला है कि ये किस तरीके के अपराध अभियुक्त रहे? अभी तक कहना जल्दबाजी होगी और हम पता कर रहे हैं कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। और इनमें से एक जालोर का रहने वाला, एक नौगांव जिले का रहने वाला, और तो हम जालोर और हनुमानगढ़ से संपर्क में कर रहे हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और इनकी अगर वांटेड है तो भी पता कर रहे हैं। और इन्होंने चूँकि जगह जगह नाकाबंदी भी तोड़ने का प्रयास किया है पुलिस जाब्ते को देख के, और एक दो जगह उन्होंने फायरिंग भी किया है, तो वो भी उसमें भी हम स्पेन के खिलाफ कर रहे हैं। कितने राउंड फायर हुए सर, इसमें कुछ जानकारी? वो अभी कहना जल्दबाजी होगा, सारा इन्वेस्टिगेशन पे निर्भर करेगा। और क्या कोई हथियार भी जब्त हुए सर? ना, अभी सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के दौर पे और हम पूरा उसका। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।